के लेना भी उसका शुक्रिया है, उस तोहफा देने वाले की कदर करना, उठ के लेना तोहफा, हाथ बढ़ा के लेना तोहफा, ये सब चीज़ें तोहफे की कदर करने में आता है। साथ ही साथ जब हम उसके पास जाएं जिसने तोहफा दिया है, तो वो तोहफे को लेके जाना, मिसाल के तौर पे कोई घड़ी दिया तोहफे में, तो वो घड़ी हाथ को लगा के उसके पास जाना जब वो बुलाए या किसी मौके से, तो ये उसका शुक्राना है। बरखिलाफ़ इसके नेचर ये है, तबीयत ये है, बस दफ़ा ऐसा होता, अरे उन्होंने दिए सो तोहफा है, उनके नहीं पहन के नहीं जाना, कहीं और पहन के जाएंगे, पूरा ख़ानदान फिरेंगे, शहर फिरेंगे वो घड़ी पहन के, मगर जो घड़ी दिया उसके घर को पहन के नहीं जाएंगे या उसके सामने नहीं दिखाएंगे, रही तो अस्तिन ऐसा ऐसा कर लेना, ये सरासर तोहफे की नाशुक्री करना है। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रगुजार कैसा होगा। और मैं जब मक्के में था, मक्के मुकर्रमा में, तो अलवी मालिकी साहब के साहबजादे के साथ एक दो प्राइवेट मीटिंग्स में बैठने का मौका मिला, तो मैं देखा कि एक तुर्की का शख्स हाथ का डंडा, जिसको कहते हैं आसा, स्टाफ, इंग्लिश में स्टाफ कहते हैं, अरबी में आसा जो कहते हैं, वो लाके दिया तोहफे में। तो ये अलवी मालिकी साहब के साहबजादे खादिम को इशारा करे, वो खादिम ले गया, वो रैप करा हुआ था प्लास्टिक से, निकाले और उस शख्स को अपने करीब बिठाए, बिठा के वो डंडा लेके कभी उसका हैंडल चूम रहे हैं, कभी उसका हिस्सा चूम रहे हैं, उसको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो मेरे को एहसास हुआ कि तोहफे की कदर कर रहे हैं, और वो जो तोहफा लाया उससे बड़े खुश होके अच्छे खुश मिजाजी से उससे बात कर रहे थे। मिजाज बाज दफ़ा देखने में आता, कोई तोहफा दिया यूँ करे, यूँ रख दिए, ये तोहफे की कदर नहीं। और मैं अपनी मिजाज भी बताता हूँ, जब कोई फूल पहनाते हैं तो उसको कुछ देर तक अपने गले में रखना, ये उसका शुक्राना है। कोई शॉल पहनाया तो कुछ देर तक रखना अपने साथ अपने ऊपर, ये शुक्राना है। बाज महफिलों में देखा जाता, फूल पहना के यूँ करते ही फोर ही निकाल देते, ऐसा कि इनको चिड़ा है फूल से, ऐसा नहीं करना। इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मामूली सा हदिया भी पेश किया जाता तो हुजूर उसको कबूल फरमाते, और फिर दावत के लिए भी हुजूर ने फरमाया कि अगर मेरे को उसकी दावत पर, खुर की दावत पर भी अगर मुझे बुलाया जाए तो मैं उसको कबूल करता हूँ। यह खातिर तवाज़ो करने के ज़िमन में आती है।
एक वाकया मशहूर है हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अबुल वफा अगवानी रहमतुल्लाह अलैह दोनों मदीना बिल्डिंग से गुजर रहे थे। कोई वाकया है, एक शख्स ला गया आइसक्रीम पेश किया तो एक साहब कहने लगे कि बाज़ार में खाना हल्के पन की निशानी है, बाज़ार में खाना मना है। उन्होंने इनकार करे, अब्दुल्ला शाह साहब अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उसको कबूल कर लिए। पूछा गया तो आप फरमाए कि उसने तोहफा दिया, उसका दिल रखने के लिए मैंने कबूल कर लिया है। तो बाज़फ़ा तोहफे की कदर करना हमारी अपनी पहचान भी बनता है कि हमारा ज़र्फ कितना है, हम सामने वाले से कितनी मोहब्बत करते वगैरह वगैरह। अब जब दावत का जिक्र आया तो फिर दावत का भी पढ़ लेते हैं। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस शरीफ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावत में बुलाया गया, ये हम सही मुस्लिम में भी पढ़े हुए हैं। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दर्जी ने, दर्जी कपड़ा सीने वाला, एक दर्जी ने सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सरीद पेश किया गया। एक मुस्लिम की रिवायत में यह है कि जब दावत दी गई तो मैं भी हुज़ूर के साथ गया, इसलिए आप फरमा रहे हैं कि आपकी खिदमत में एक सालन पेश किया गया जो सरीद था। तो सरीद होता क्या था, एक शोरबा होता था जिसमें कुछ गोश्त के टुकड़े भी डाले जाते थे। एक सरीद पेश की गई, इस पर कद्दू के टुकड़े थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर से कद्दू उठाते और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। अब देखिए हज़रत अनस क्या कहते हैं। पहले की रिवायत में यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सालन में तलाश करते और उस सालन में से कद्दू नोश करवाते। अब हज़रत अनस कहते हैं, साबित फरमाते हैं रावी हदीस, कि मैंने हज़रत अनस से सुना, वो फरमाते थे कि उसके बाद मेरे लिए कोई खाना तैयार नहीं किया गया जिसमें कद्दू डलवाने की ताकत हो और उसमें कद्दू न डाला गया। यानी जब कभी मेरे लिए फिर सालन बनाया गया तो मैं इस्तेआत रखता तो फिर उसमें कद्दू ज़रूर डाला था। ये और एक रिवायत में ये है कि हज़रत अनस कहने लगे कि इसके बाद मुझे कद्दू इतना पसंद हो गया कि मैं कद्दू से ज़्यादा कोई और सालन पसंद नहीं किया। ऐसे अल्फाज न सिर्फ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बल्कि हज़रत साबित जिन्होंने हज़रत अनस को ये फरमाते हुए सुना, हज़रत साबित भी कहते हैं कि आज के बाद मुझे कद्दू सब सालनों में पसंद हुआ, इसलिए मेरे रसूलुल्लाह ने कद्दू खाने को पसंद फरमाया। हज़रत सहाबाए किराम रिज़वान अल्लाही ताला अलैहिम अजमईन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने में इतना एहतमाम रखते थे कि जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई खाना खाते देखा, मैंने हुज़ूर को किसी भी किस्म का खाना खाते हुए जब हुज़ूर देखे तो सहाबा उसका एहतमाम करते, तो वो भी इसी तरह इसी खाने को खाकर अपनी मोहब्बत को इताअत का इजहार करते थे। हम मुसलमानों के लिए बहुत ही बेहतर और लाजमी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब के लिए इमाम अंबिया साहिब दीवाए हम मालिक शफाअत कुबरा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरह पैरवी करें जिस तरह हज़रात सहाबा इकराम करते थे, इस तरह हुज़ूर पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद की हुई चीज़ों को महबूब अज़ जान
और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंद की भी चीज़ों को नापसंद रखें, बल्कि उन नापसंदीदा अशिया के साथ दुश्मनी और अदावत रखें। अमरा से हजरत अमरा से रिवायत है, वो फरमाती हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर मुबारक में क्या किया करते थे, यानी जब हुजूर घर में तशरीफ़ फरमा होते तो आपका वक्त कैसे गुजरता। उन्होंने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमियों में से एक आदमी थे, अपने कपड़ों में जूं ढूंढ लेते थे और अपना काम खुद ही कर लेते थे। अब इसकी तशरीह ये है कि आदमियों में से एक आदमी है, यानी जिस तरह कोई शख्स अपने घर का काम वगैरह करता है और अपने घर में खुश उसलूबी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अपना काम खुद सर अंजाम देता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। मगर यहाँ मैं एक बात बताते हुए आपकी तरफ फिर मौजू की तरफ आता हूँ, ये बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मगर फिर हम अपने बच्चों को प्रेम कैसा करेंगे। अब उम्र का एक हिस्सा था, बच्चे हम बोले सो नहीं सुनते, फिर हम बोलते बच्चा नहीं सुन रहा, तो जिस वक्त बच्चे को ट्रेन करना था, जब ट्रेन नहीं करे तो अपना से सुनना है। इसलिए मिसाल दी गई, झाड़ होने के बाद वो मुड़ता नहीं, पौधा रहे तक उसको मोड़ सकते जैसा रखना है रख सकते, मगर जब वो झाड़ बन जाता है उसमें सख्ती आ जाती तो अब वो मुड़ेगा झुकेगा नहीं। तो बच्चों को ट्रेन करने के लिए माँ बाप की खिदमत की तरफ तवज्जो तरबीब दिलाने के लिए अपने बच्चों से अपना काम करवाना, तो बच्चों को माँ बाप की खिदमत का एहसास होगा। अब आगे की बात, मामूली से मामूली और छोटे से छोटा काम भी अपने दस्ते मुबारक से कर लेते थे और इसकी अंजाम दही में कोई आग महसूस नहीं फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में औलाद आदम से एक औलाद थे, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु के फर्जंद थे। आपकी वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा थी। अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से नहीं थे, आप फरिश्तों में से नहीं थे, जिन्नों से नहीं थे, किसी दूसरी नौ की मखलूक से न थे, किसम यानी कोई और मखलूक से नहीं थे, इंसान थे। बताना चाहिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बहुत सी खुसूसी इनायात और बख्शिशों से नवाजा, वही एक इलाही और नबूवत से सरफराज फरमाया, मोजिज़ात ज़ाहिरा अता फरमाए, अपने हबीब अपना हबीब बनाया, अपने दीदारे अकबर से मुशर्रफ फरमाया। ये सब सिफात होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद अंजाम दिया करते थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि सिवाय उसके नहीं कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मुझ पर वही होती है। मुहद्दिसीन ने फरमाया कि हरगिज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अतहर व अक़दस पर मक्खी नहीं बैठी और ना ही जूं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर में ईज़ा पहुँचाने के लिए पैदा हुई। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल इज़्ज़त व तअज़ीम है। हदीस के बारे में जो तलाश करने का भी जिक्र है और उलमा की तहकीक की है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक या कपड़ों में जूं नहीं पड़ती थी, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह जाहिर है कि जूं बदन के मैल से पैदा होती है, जूं बदन के मैल से पैदा होती और पसीने से बढ़ती है,
और हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहानूर थे, वहाँ मैं चल रहा था, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना सरासर गुलाब था, यानी गुलाब की खुशबू जैसा था, जो खुशबू में इस्तेमाल किया जाता है। फिर भला इरके गुलाब में चूंटा कहाँ गुजर हो सकता है? इसलिए इस तरह इसे तलाश करने का मतलब ये है कि इस एतमाद से कि शायद किसी दूसरे की जू न चढ़ गई, तलाश करवाते थे। बाज़ उलमा ने फरमाया है कि तलाश करना दूसरों की तालीम के लिए था। जब आप सारा काम अपना खुद कर लेते थे तो ये भी दूसरों की तालीम के लिए था कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका एहतमाम करते देखेंगे तो ज़्यादा एहतमाम करेंगे। हज़रत अल्लामा यूसुफ़ इब्न इस्माइल नदानी शरीय शमाइल में हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत नक़ल फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम इंतहाई बुलंद हौसला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ ले जाते तो आम लोगों की तरह काम काज में मसरूफ़ हो जाते, अक्सर कपड़े वगैरह खुद ही सी लेते, घर की चीज़ों को खुद ही उठाते रखते, गोश्त काटते, खादिम की मदद फरमाते। घर से बाहर जाते तो गधे पर सवार होकर चले जाते, अपने जूते खुद ही गांठ लेते, खमीस में पेवन लगा लेते, चादर फट जाती तो इसे सी लेते और फरमाया करते कि जो मेरे तरीके से गुजरदानी करेगा वो मुझसे नहीं है। अपने मुँह खुद चरा लेते, खादिम के साथ बैठकर खाना खा लेते, आटा गूंथ लेते, बाजार से घर का सौदा सलूक खुद उठाकर ले आते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई तवाज़ो की दलील इस हदीस शरीफ से मालूम होती है। हज़रत ख़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नजाशी बादशाह का एक वक्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ब नफीस नफीस उनकी खिदमत और तवाज़ो में मसरूफ़ हो गए। नजाशी बादशाह का एक वक्त हुज़ूर के पास मदीने शरीफ में आया तो उसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ़्स नफीस उनकी खिदमत और तवाज़ो में मसरूफ़ हो गए। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इरशाद फरमाइए, इस खिदमत के लिए हम काफ़ी हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्होंने हमारे लोगों का एहसास व इकराम किया था, मैं पसंद करता हूँ कि बाजार खुद उनकी मेहमानदारी और तवाज़ो करो। यानी कुछ लोग जब हबशा गए थे तो वो बादशाह हबशा ने जो सहाबा इकराम मक्के से वहाँ गए थे उनसे तज़ीम और तकरीम किया था, तो फिर वो आकर हुजूर से बयान किए, या रसूलल्लाह शाह हबशा ने हमारे साथ तज़ीम और तकरीम की, और उसने ये ख्वाहिश किया था कि जब ये रसूल ऐलान नबूवत करेंगे तो उस ऐलान नबूवत के बाद में उनकी कौम उनको मक्के से निकाल लेगी, अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं उनकी मदद करूँगा। और उसने ईमान लाया था, इसीलिए जब उसका इंतकाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा होते हुए सहाबा ने ऐलान किया था कि तुम्हारे भाई नजाशी का इंतकाल हो गया है, आओ उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ो। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके लिए गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा तो फिर चार अइम्मा अहले सुन्नत में से बाज़ अइम्मा ने गायबाना नमाज जनाजा को पढ़ना सुन्नत करार दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था हमें पढ़ा, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़िक़्ह में है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास बात थी, इसलिए कि वहाँ पर दो बातें बताई हैं। इमाम ने फरमाया कि या तो हुज़ूर के लिए उस जनाजे को खरीद कर दिया गया था हुज़ूर से तो हुज़ूर ने नमाज़
या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नमाज़े जनाजा के करीब हो गए थे, जिसकी वजह से नमाज पढ़ी, तो ये खासियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है नमाज़े जनाजा अदा। और एक बात, नमाज़े जनाजा दुआए मैयत है, तो जो लोग नमाज़े जनाजा को नमाज की शक्ल में पढ़ते हैं वो भी हुजूर की सुन्नत है, और जो लोग नमाज़े जनाजा को दुआए मैयत समझ के सिर्फ दुआ करते हैं वो भी रवा है।